बरसाने जाने का, दूर है बरसाने से लेकिन रोज पैदल चल के वहां जाकर परिक्रमा लगाते, तब श्री जी की अटारी पे जाते थे। उनकी बड़ी बड़ी जटाएं, सबको मेरी आवाज समझ आ रही है? नहीं आ रही ना? साउंड वाले भैया सोच रहे हैं कि हम गलत बोल रहे हैं। संकीर्तन साउंड पे ही होता है भैया, जब आपको सुनाई नहीं देगा तो बात कैसे बनेगी। हमारा तो जोर लग ही रहा है। तो कदम खंडी वाले बाबा बड़ी बड़ी जटाएं जिनकी, एक दिन परिक्रमा के लिए निकले तो अचानक उनकी जटा एक लता में उलझ गई। बाबा को एक पल को ऐसा लगा कि शायद कन्हैया ने आकर मेरा आंचल पकड़ लिया, लेकिन जब मुड़ के देखा तो वहां कोई कन्हैया नहीं थे, कोई ठाकुर नहीं, कोई ठाकुराइन नहीं, बस एक जटा उलझी थी। आज बाबा हट कर बैठे कि अगर ऐसा आभास हुआ है तो इसको सत्य भी करना है। बाबा ने जिद ठान ली कि प्यारे आज तो तुझे आना पड़ेगा, आज मैं नहीं आऊंगा, आज तुम्हें आना पड़ेगा। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर आया कभी तुम भी मेरे घर आया, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मेरे आंगन सामने प्यारे आवो तो एक बार, उर में दे दू चाव सो मैं फूलन को हार, फूलन को हार मोर का पंख सजा दूं, कटि पीतांबर देत माथे पे तिलक लगा दूं, कटि पीतांबर देत माथे पे बजे मुरली की तान रहे सब गोपी घेरे, अरे बेगी पधारो नाथ भाग्य खुल जाए मेरे, बेगी पधारो नाथ भाग्य खुल जाए मेरे। आज बाबा ने हट ठान ली कि प्यारे इस जटा को मैं भी नहीं सुलझाऊंगा। अब तूने उलझाई है
हैं, जब तक तू आके सुलझाएगा नहीं तब तक मैं अन्न का एक निवाला अपने मुख में नहीं डालूंगा और ना जल ग्रहण करूंगा। अब बाबा की जिद हो गई, ब्रजवासियों ने आते जाते देखा आज बाबा को क्या हुआ, आज तो बाबा बीच में ही बैठ गए। बाबा का बात है गई, बोले कछु ना, बाबा आपकी जटा उलझ गई। हाँ बाबा सुलझा दे। अरे ना, अब जाने उलझाई है वही आके सुलझाए। बाबा कुछ जल भोजन ले आए आपके लिए ना, अब तो ये प्रण है कि जब तक वो आएगा नहीं हम अन्न का दाना नहीं ग्रहण करेंगे। ब्रजवासी कहने लगे, बाबा ये क्या जिद है, तुझे लगता है कि वो आएगा तेरी जटा सुलझाने के लिए, इस कलयुग में ये क्या उम्मीद लगाकर बैठे। बाबा कहने लगे, मैं नहीं जानता। दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, अब तेरो कहा है कि जाऊं कहां, मैंने तेरे ही नाम की फेंट कसी है। अब तेरो ही आसरो एक मलुक नहीं तुम सा कोई दूजा जसी है। अब बाके बिहारी पुकारी कहूं, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। बाबा को भूखे प्यासे बैठे, लेकिन शरीर तो शरीर है प्यारे, इसको चलाने के लिए तो जल भोजन चाहिए। बाबा मूर्छा अवस्था में पड़े हैं, लोग हंसी उड़ा रहे हैं, ये बाबा मरेगा, बाबा पागल हो गया, देखो कैसी उम्मीद लगा के बैठा है। वो आधी आंखें खुली हैं आधी बंद हैं, अवस्था ऐसी है, फिर भी बाबा की आंखें अटारी की तरफ देख रही है, शायद ठाकुर यहां से दौड़ता दौड़ता आ जाए। सामने आओगे, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, ओ सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं।
आता है दोनों का इंतजार है। मौत आती है तो आ जाए, कोई गम नहीं। साबिरे सामने खड़ा दिल दार ना हो, वो आंसू भी क्या आंसू है जो दर्द बिना बह जाते हैं, जो दर्द बिना बह जाते हैं, वो दर्द बिना बह जाते हैं। पल भी नहीं पल कहलाता, वो पल भी नहीं पल कहलाता। प्रीतम का जो इंतजार ना हो, वो पाली वो दिल पत्थर है जिसमें बाके बिहारी का प्यार ना हो, जिसमें बाके बिहारी का प्यार ना हो। ओ शोके दीदार हसरत यही है मेरी, शौक 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 दीदार हसरत यही है मेरी। तू मेरे सामने हो ना दूजा कोई, तू मेरे सामने हो ना दूजा कोई, सामने हो ना दूजा कोई, मेरे सामने हो ना दूजा कोई। मौत आती है तो आ जाए, कोई गम नहीं। मौत आती है तो आ जाए, कोई गम नहीं। अरे वो भी तो आएगा, आएगा। अरे वो भी तो
इसके चाहने वाले कहते हैं घबराए क्यों बाबरी एरिया बेंगे चित चोर वो नत नंदन ब्रज चंदन जू वो रसिया नवल किशोर वो रसिया नवल किशोर नील मणि कुंज बिहारी करुणा सिंधु पे सुनेंगे तेर हमारे और देंगे दर्शन दान पे तेरे दीप जलाए देंगे दर्शन दान बैठी रे दीप जलाए यदि आते ही होंगे शाम बाबरी क्यों घबराए आते ही होंगे शाम बाबरी क्यों घबराए संत कहते हैं आशा रख पगली आए आशा रख पगली आए कुंडल छलकाते गुगरारी अलके बिखराते गुगराली अलके बिखराते सब सुंदरता को लज्जाते सब सुंदरता को लज्जाते अदरामृत भर कर मुरली में अदरामृत भर कर मुरली में होरी के रसिया जीवन में कोई कष्ट आता है
तो यही कह के सहारा दे देते हैं कि कोई नहीं, ठाकुर जी आगे अच्छा करें। उनकी यही मर्जी होगी, क्योंकि हमें सिखाया ये गया है कि शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। हमें पहले दिन ही सिखा दिया था कि इश्क कर रहे हो आसान नहीं है। पहले तो ये सूत्र समझ लेना कि जीवन में कैसी भी घड़ी आए शिकायत नहीं करनी, बस एक विश्वास लेके चलना है कि वो अच्छा ही करे। उनकी तलवार चले तो चले, तुम गर्दन नीचे किए रहना, वो कह दे जिए तो जिए रहना, वो कह दे मरे तो मरे रहना। जीवन का हर कष्ट ये समझकर पी गए उस गम को कि वो सितम पर सितम करते रहे और मैंने उफ तक न की। ये मेरे सबरों करार की हद थी, केवल इस उम्मीद पर एक दिन ऐसा अवसर हो, एक दिन ऐसा अवसर होगा मेरा साजन घर पर होगा, मेरा साजन घर पर होगा, बिरहा का यही असर होगा, बिरहा का यही असर होगा, पर्दा बना रहता हमें दीदार हो जाता है। अधिकार है, मोहब्बत की है तो हमारा हक बनता है। और पूछेंगे उस दिन मेरे दिल मेरे रहने वाले, मेरे दिल मेरे रहने वाले मुझसे नकाब की, मेरे दिल मेरे रहने वाले मुझसे नकाब क्यों, मेरे दिल मेरे
आराधना ना और कोई कर सकता मेरे नाथ,
और साथ ना है मेरी एक वृंदावन रहने की, साथ ना है मेरी एक वृंदावन रहने, साथ ना है मेरी एक वृंदावन रहने, साथ ना है मेरी एक वृंदावन रहने। वृंदावन रहता हूँ, बरसाने रहता हूँ, इसलिए भरोसा है वो आता होगा, वो आता होगा। अरे तुम भी आना, आना तुम भी आना, आना तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। इतना ही कहना था, लोग जा रहे हैं, बाबा रोक रहे हैं, लोग हंस रहे हैं बाबा पर, लेकिन जब ये अवस्था आ गई, बाबा के प्राण पखेरु उड़ने को है, उसी समय सामने से हो पतरी सी कमरिया लचकाते, पतरी सी कमरिया लचकाते, ओ मस्ती से नाज से इठलाते, ओ मस्ती से नाज से इठलाते, ओ रुख से बिजली को गोदाते, रुख से बिजली को गोदाते। मैंने कहा था ना, अथरा दिखता नहीं। हाँ बाबा, देख तो रहा हूं तेरी जटा उलझ गई है, तो फिर सुलझा दूं बाबा। अरे ना, तू नहीं सुलझाएगा। क्यों? बोले जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा, मेरी तो जिद ही है। बाबा, मरने की सी हालत हो रही है, मान जा, मैं तेरी जटा सुलझा दूं। अरे ना ना, भाग यहां से। ब्रिजवासी रूप बना कर आए, छोटे से ग्वाले का रूप बना कर आए, सुना नहीं, भाग जाए यहाँ से। बाबा कुछ खा ले, कछु मधु करी करके ला दो, सुनाई नहीं देता तुझे, जाए यहाँ से। बड़ी प्रार्थना की, आज बाबा भी जिद पर ही थे, समझ तो गए। कहने लगे बाबा मानेगा नहीं। बोले नहीं मानेगा, बदनामी कराएगा, बिल्कुल होगी। अड़ा हूँ आज इस जिद पे कि कुछ पाकर हटूं, या खुद हार जाऊं या तुझको हरा कर। आज जिद है। फिर आखिरकार बोल उठे, अच्छा बाबा तू जिसका इंतजार कर रहा है मैं वही हूँ। बाबा कहने लगे मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। क्यों? अरे मेरा कन्हैया ऐसा थोड़ी ना है, मेरा कन्हैया तो मोर मुकुट धारण करके आता है, हाथ में बंसी लेके, काली कांवर उड़े, तिरछा चरण धरे। फिर कन्हैया बोले बाज नहीं आएगा। बोले ना, तभी ठाकुर जी ने अपना वही रूप दिखा दिया। बोलो भक्त और भगवान की जय। ला बाबा, अब तेरी जटा सुलझा दो। अरे दूर हट, ना मेरे घर आज तमाशा होगा। तमाशा ये है, कहां रहे अब तक? और क्या मान लो, मैं मान लूंगा कि तुम वही हो? अरे बाबा, तूने जैसे कही वैसा रूप तेरे को दिखा दिया, अब तू क्या चाहता है? बोले नहीं, तू कन्हैया हो ही नहीं सकता। क्यों?
भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगत ना कोई। ठाकुर जी के भी हाथ जुड़ जाते हैं, कोई ऐसा टेढ़ा भक्त मिल जाए तो मेरे ठाकुर जी भी हाथ जोड़ देते हैं, प्यारे जैसा तू कई वैसा ही। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अरे अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु खेल निराले करते हो, 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 प्रभु खेल निराले करते हो। अरे जो तेरा दम भरते हैं तुम उसका पानी भरते हो, उसका पानी भरते हो, तुम उसका पानी भरते हो। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, गोकुल के गोरस पे उसको सो सो बार मचलते देखा। जिसके घर 9 लाख गाय हैं वो गोपियों के आगे ठुमका लगा रहा है कि एक माखन का लोना मिल जाए। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से, कुछ करना नहीं है, सकल विश्व को पलते देखा। पहाड़ों पर रहने वाले कीट पतंगों के भी अन्न का इंतजाम करता है वो, तो क्या उसके लिए माखन का लोना बड़ी बात है। गोकुल के गोरस पे उसको सो सो बार मचलते देखा। अच्छा बाबा अब तू क्या चाहता है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, बता तू क्या चाहता है। बोले तू मेरा कन्हैया ही नहीं तो कैसे मानेगा। बोले मेरा कन्हैया तो अकेला कभी आता ही नहीं है, उसके साथ तो राधा रानी का होना जरूरी है। अब बाबा मुझ तक तो ठीक है, वहां तक तो मेरी भी दौड़ नहीं है प्यारे। मैं तो खुद बरसाने वाली के एक दीदार के लिए सारा दिन पौड़ियों में झाड़ू लगाता फिरता हूँ कि शायद लाडली के दर्शन हो जाए। बाबा तो कैसे बनेगी बात, ऐसे तो मैं मानने वाला। बाबा चलो इकट्ठे ही पुकारते हैं। बाबा और कन्हैया ने आवाज लगाई, श्री राधे। माइक वालों की बड़ी गंदी आदत है, रोज समझाती हूँ उन्हें माइक के अलावा कोई काम ही नहीं। बोलिए श्री राधे, जरा जोर से बोलिए श्री राधे। केवल 3 बार कहा, मेरे ठाकुर को आने में देर लगती है लेकिन मेरी किशोरी को नहीं। जैसे ही आवाज अटारी तक पहुंची तो बाबा ने क्या देखा सामने से, कन्हैया देखो जरा। में कजरा,
गया कि बड़ौत वाले बड़ा प्यार करते हैं किशोरी जी को। तो स्वागत दोनों हाथ उठा के, मेरी किशोरी जी जब आ रही हैं, आचल फहराए पायल छलकाए हाय धीरे धीरे।
किशोरी जी आई, उन्होंने इधर उधर देखा कोई है ही नहीं, क्योंकि कन्हैया ने नई लीला शुरू कर दी। बाबा का हाथ पकड़ के एक लता के पीछे छुप गए। अब एक तरफ कन्हैया और बाबा हैं और दूसरी तरफ ये सारी बड़ोद वाले हैं। और लाडली जी आई, देखा यहाँ तो कोई है नहीं, आवाज तो यहीं से आ रही थी। एक बार कह दो श्री राधे। वहां पर सरोवर था, किशोरी जी आज इतनी सुंदर लग रही है कि अचानक सरोवर के जल में नजर पड़ी तो अपने आप को देख के मोहित हो रही है कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। और खुद को देखते देखते अचानक उनकी नजर पड़ी, अरे पानी में अपना रूप निहारे, पानी में अपना रूप निहारे, पानी में अपना रूप निहारे, पानी में अपना रूप निहारे। तो पानी में क्या देख रही है, उधर से छुप छुप के कन्हैया देख रहे हैं, बाबा देख रहे हैं, इधर से ये सारी संगत देख रही है। अब जब लाली इतनी भीड़ में देखे तो 12 साल की लाली घबरा जाती है, घर में कितना भी बोले लेकिन बाहर जब कहते ना बेटा इनको बोल के दिखाओ ABCD बोल के, वो शर्मा जाता है बच्चा, है ना। ऐसी हमारी लाली छोटी सी है, जब इतनी भीड़ देखी, पानी में देख रही है, सब मुझे छुप छुप के देख रहे हैं, अरे पानी में अपना रूप निहारे। जब देखा सब मेरी ओर ही देख रहे हैं तो थोड़ा शर्माए, थोड़ा शर्माए, हाय धीरे धीरे, थोड़ा शर्माए, हाय धीरे धीरे, अधिक सकुचाए, हाय धीरे धीरे, अधिक सकुचाए, हाय धीरे धीरे, हाय धीरे धीरे, हाय होले होले, हाय धीरे धीरे, हाय होले होले, हाय धीरे धीरे, दोनों हाथ उठा देना जो बैठे, इनके हाथ नहीं उठ रहे, दोनों हाथ उठा कर कहिए, हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा, हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के, उठा उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के, उठा उठा
कोई भला कहे कोई बुरा कहे होंगे भी राधा रानी के, कोई भला कहे कोई बुरा कहे होंगे भी राधा रानी के, खुदा उठा कर दे राधा, खुदा उठा कर दे होंगे राधा रानी के, हम चाकर 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 राधा रानी के, कोई भला कहे कोई बुरा कहे हम होंगे राधा रानी, कोई भला कहे कोई बुरा कहे हम होंगे राधा रानी के, राधे 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 राधे